नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, थंबनेल से प्रदर्शित होता है कि हम कोटेदारों की कमाई के विषय में आज बात करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि आपको सरकार ने कितनी बड़ा अवसर दिया है। उससे पहले, उस पर पहुंचने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने एक ऐप बनाया है। जैसा कि अब आप इस समय हम लोग देखते हैं, जो हमारे यंग कोटेदार हैं, यंग लोग जो हमारे इसमें चैनल से जुड़े हुए हैं, कि किस तरीके से आजकल 48 मेगापिक्सल तक के कैमरे मार्केट में ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उनमें अगर आप एक फ़ोटो तक खींचते हो तो वो भी 15-20 एमबी का होता है जाके। तो इसलिए हमने एक ऐसा ऐप बनाया है जो आपके उस जो फ़ोटो को बहुत कम साइज़ में कर देगा, उसके जो एमबीज़ हैं बहुत कम कर देगा, जिससे कि आपकी मेमोरी फुल नहीं होगी और आप उसे अपने फ़ोन में हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर और आपको उसके बारे में हम बताते हैं, उसके बाद चलेंगे हम अपने कोटेदार के मुद्दे पर। चलिए चलते हैं साथियों। देखिए, ये रिसाइजर, ये जो नीचे दिया हुआ है सबसे नीचे, मैं इस ऐप को खोलता हूँ। रिसाइजर जो लिखा हुआ है, आप इसको खोलेंगे और खोलने के बाद, ये बहुत छोटा ऐप है, आराम से आप डाउनलोड कर लें और इसे डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। अगर आप डाउनलोड करोगे आप लोग तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन होगा मेरा। तो अब देखिए, जैसे इसमें तीन टेक पिक्चर, माई क्रिएशन और सिलेक्ट फ़ोटो। जैसे मैं आपको एक फ़ोटो खींच कर दिखाता हूँ, टेक पिक्चर में कैमरे पे गया और देखिए मैं एक सामने ये फ़ोटो खींचता हूँ। मैंने फ़ोटो खींच दिया है और फ़ोटो खींचने के बाद ये मैं गया इसमें, देखिए 4.84 MB का दिया हुआ है। नीचे कंप्रेस दिया हुआ है, मैंने कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद इसमें परसेंटेज पे गया, मैं 25% कंप्रेस कर रहा हूँ और मैंने रिसाइज बटन दबा दिया। अब देखिए, मात्र 245 KB का रह गया है, ये लगभग 5 MB का था। तो इतना बड़ा फ़र्क आपको दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से आप कम भी कर सकते हो। तो ये ऐप ज़रूर आप डाउनलोड करें, मेरा ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये जो ऐप हमने आपको बताया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें, इस ऐप को डाउनलोड जरूर करें अपने मोबाइल पर और उसके बाद में इसका यूज़ करें और फिर बताएं हमें कि आपको ये ऐप कैसा लगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मूल व्यवस्था पर कि जो अभी आपने 14 तारीख को एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आप सब लोगों ने देखा कि आपके 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का आदेश ऐलान किया गया, आदेश दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण थी वो CSC की सुविधाएं। जैसे आप CSC जनसेवा केंद्र पर जाते हो तो वहां पर आपको आय, मूल और जाति प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा मिलती है। इसके साथ में ही जो आपको दी जा रही हैं, इसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी होते हैं और इसके साथ में जो सुविधाएँ हैं आपको, मुख्य चीज़ दी जा रही है, ई स्टैम्प की भी सुविधा दी जा रही है। ये सारी चीज़ें आपके पास बढ़ाई गई हैं, यानी अब कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये जो मंशा है, आपके पास बहुत सारे काम दे दिए गए हैं। यानी अगर कोटेदार अपनी दुकान पर रोज बैठते हैं तो भी उनके पास काम है। हमें ये मेन रूप से समझना चाहिए कि हम इसको इग्नोर ना करें। आपके पास आज की डेट में ऑफिस की तरफ से आपकी मशीन पर दी गई है कि आप पैसे निकाल सकते हो, और ये सुविधा जो अंगूठे से पैसे निकालने की है, आपकी मशीन पर बहुत फास्ट सुविधा है और उसमें बहुत जल्दी ये पैसे निकालने का काम होता है। आप ये भी काम कर सकते हो, आपके ही मशीन पर एक बिजली बिल का भी एप्लीकेशन दिया गया है, इस पर भी आपको 16 रुपये कमीशन मिलता है प्रति बिल पर। तो आप ये काम भी आपका साथ में चलेगा। और अब जो नई व्यवस्था CSC की आई है, और ये CSC भी जहाँ तक मुझे मेरा विश्वास है, ये आपकी इस मशीन पर ही चालू हो जाएगी। यानी आपको लैपटॉप लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप प्रिंटर से मशीन को जोड़ेंगे और प्रिंट निकाल कर दे देंगे। एक बहुत बड़ी आपको सुविधा दी गई सरकार की तरफ से। तो इसका मजाक ना उड़ाकर, इसको हल्के में ना लेकर मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग जुट जाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि तो और जैसे कि बहुत से लोगों ने ये लिखा है कि 20 रुपये कम है, निश्चित तौर पर जो 20 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया है ये बहुत कम है, लेकिन जो भी बढ़ाया गया है हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और मान के चलिए, अगर किसी का 50 क्विंटल राशन बांटता है कोई कोटेदार, जो कि एक औसत दर है ये 50 क्विंटल का, तो वहां पर भी 1000 रुपये आपके बढ़ जाते हैं जो नई घोषणा के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर 0 से आप ऊपर बढ़े हैं, कुछ ना कुछ आपको फायदा ही हुआ है, तो उसे भी ले। और साथ में CSC की जो सुविधाएं हैं, जो आज का समय है ये टोटल डिजिटल हुआ जा रहा है। आपने देखा होगा कि ATMs का यूज अब कम होने लगा है गांव देहात में, अब लोग थंब से ही पैसे निकालते हैं। जो सुविधा आपकी मशीन पर पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन आप लोग बहुत कम उसका यूज करते हैं, और जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं।
इसी तरीके से बिजली बिल में भी हमारे कोटेदार इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जो लोग ले रहे हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है, आप सभी कोटेदारों से निवेदन है कि आप लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाइए और जुट जाइए, एक कार्यालय बना लीजिए अपना, एक दुकान खोल लीजिए कहीं रोड पर या गांव में अपनी, और उसमें आप अपना पूरा सीएससी केंद्र चलाइए। आप चाहे वो पैसे निकालने का काम हो, बिजली बिल का काम हो, या जो भी आय मूल ये सब जाती है, जो प्रमाण पत्र हैं, ये स्टैंप है, सारी चीज़ें आपको एक ही धरातल पर अब दे दी जाएंगी। इसलिए आप जुड़ जाइए और जैसा भी मेरा सहयोग होगा, मेरे चैनल का सहयोग होगा, हम लगातार वीडियो डालकर आपको बताते रहेंगे। कोई भी आप अव्यवस्था होती है, आप हमारे चैनल पर आप कमेंट कीजिए, उसका भी हम जवाब देंगे और लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको जवाब देते हैं। तो इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जल्द से जल्द अपना सीएससी का काम भी शुरू करें और अपने मशीन के में दी गई सरकारी तरफ से सारी सुविधाओं का उपभोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।